x to satisfy x cube minus 11x square plus 39x minus 45 is equal to 0. B is 5x minus 6, 3x plus 1 and x minus 1 are length of the sides of a triangle where n is the element of A intersection B. तो अगेन A इंटरसेक्शन B की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, पहले उसके लिए मैं सेट B में एंट्रीज देखता हूँ। तो सेट B में हमारे पास में तीन साइड्स हैं, एक साइड है 5x minus 6, दूसरी साइड है 3x plus 1 और थर्ड साइड है x minus 1। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास में एंट्रीज क्या आ जाएंगी, ये क्या होना चाहिए, अगर मैं देखूंगा 5x minus 6 और 3x plus 1 में अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में, सॉरी तीनों साइड्स में ही मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। मुझे पता है ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो इन दोनों साइड्स का सम इससे बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों साइड्स का सम क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8x minus 5, ये होना चाहिए ग्रेटर देन व्हाट, x minus क्या हो जाएगा 1 से। तो ये पूरी वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगी वैल्यू, यहाँ से माइनस 5 इधर आके हो जाएगा प्लस 5, 5 माइनस 1 इज 4, इधर आके हो जाएगा 7x इज ग्रेटर देन 4, तो x क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 4 बाय 7। अब इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, तो 5x minus 6 plus x minus 1, तो क्या जाएगा 6x minus 7, ये होना चाहिए greater than 3x plus 1, तो means हमारे पास में वैल्यू क्या जाएगी, ये जाएगा 3x is greater than 3x is greater than 8 हो जाएगा, तो x जाएगा greater than 8 by 3, ओके, यहाँ से आ गया हमारे पास में x is greater than 8 by 3। अब इन दोनों का सम इससे बड़ा होना चाहिए, means 3x plus 1, फिर plus में x minus 1, तो क्या जाएगा हमारे पास में वैल्यू, ये हो गई हमारे पास में वैल्यू 4x, ठीक है, तो 3x plus x, 3x plus x, तो क्या 4x is greater than होना चाहिए 5x minus 6, तो यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ x क्या हो जाएगा हमारे पास में, x होना चाहिए less than 6, तो अब हमारा x 4 by 7 से बड़ा होना चाहिए, 8 by 3 से भी बड़ा होना चाहिए और less than 6 होना चाहिए। तो इन तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो क्या आ सकती है, 8 by 3 से बड़ा मीन्स 2.66 से बड़ा मीन्स 3, 4, 5, और 6 से छोटा होना चाहिए, तो हो गया 3, 4, 5, ये हमारे पास में पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। अब अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स देखते हैं, दूसरा हमारे पास में सेट ए है, वो क्या है, सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 39 टाइम्स ऑफ एक्स, फिर आएगा माइनस में 45 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब क्या करें, इसके फैक्टर्स करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, सी हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मीन्स बी की वो सब वैल्यूज हमें बतानी है कि जो क्या है इसको सेटिस्फाई करती है सेट ए को भी, तो पुट करके देख लेते हैं। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ से आएगा 3 क्यूब विच इज इक्वल टू वॉट 27 माइनस 11 इंटू 3 स्क्वायर इज 99, फिर आएगा 39 इंटू 3 कितना होगा, इट इज इक्वल टू 117 माइनस में आ जाएगा 45। तो अब देखेंगे 117 प्लस 27 ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है हमारे पास में 144, और सिमिलरली 99 और 1 माइनस 45 यू की तो जगह 144, तो वैल्यू आती है 0। तो x इज इक्वल टू 3 इसका एक फैक्टर है, तो बचे हुए अगर इक्वेशन देखेंगे तो एक फैक्टर x माइनस 3 हो गया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ, ये हो गया x क्यूब लाना है मुझे, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया माइनस 3x स्क्वायर, अब मुझे चाहिए क्या माइनस 11, इसे माइनस 8x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या माइनस 8x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस में 24x, प्लस में 24x, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस में 15 अभी भी चाहिए, तो क्या आ गया हमारे पास में, आ गया वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है x माइनस 3 इंटू x माइनस 5, तो क्या ये पूरी इक्वेशन हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x माइनस 5। तो अब यहाँ से मुझे x की जो दो वैल्यूज मिली वो क्या मिली, यहाँ से मुझे वैल्यूज मिली सेट ए के लिए, सेट ए का जो एलिमेंट है वो है 3, 5। तो अब अगर हम ये क्या है, बी की एंट्रीज थी, ये ए की एंट्रीज है, दोनों का अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, 3, 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 दोनों में ही नहीं है, है ना, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो जाएगी हमारे पास में 2, ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2।